फैजाबाद के किसान कभी सूखे से त्रस्त, कभी बाढ़ से परेशान, तो कभी नील गाय से। किसानों का कहना है कि वे महंगे बीज लाकर बोते हैं, लेकिन नील गाय और जंगली सुअर फैजाबाद के मया ब्लॉक के रघुनाथपुर गांव में मटर, गेहूं, सरसों, धनिया की फसल को रौंदते हुए बर्बाद कर देते हैं। सरकार ने इन्हें मारने से भी रोक लगा दी है। इस वजह से या तो किसान इन्हें खुद खदेड़े या फिर बर्बादी से है। 2.5 बीघा दिया होते हैं, 40 किलो जाते हैं, एक बार कितने थे, 100 रुपये थे, नील गाय चल जाते हैं, पैसा लिखे थे वहाँ हाथी निकाल तरी के लाल इतने कदू सामने जो मुझसे राव सब साफ कह दिए हैं। सरसों सरसों देखो वो क्या देखो बाउंड्री करने का मतलब या तो उससे इतना मनी एडजस्ट हो हमारा तब तो ठीक है, फिर क्या फायदा भाई। जैसे फसल हम लोगों की जैसी पैदावार कम है उसी हिसाब से अपना काम चला रहे। जैसे टच है जब तक पत्थर नदी पूरी पूरी साइड से सब आते इधर पेड़ गाँव है सब लोग जंगली सुअर हो रहे थे भी बहुत आलू इधर हुई थी सब और खाद के अपना खराब कर दिए बहुत छोटी छोटी। हर चीज के लिए परेशानी कर रहे हैं। सरसों लगी है देखो, सरसों में हल्के तोड़ रहे हैं सरसों को, सरसों खाते नहीं है खाली गेहूँ खाते हैं, लेकिन तोड़ रहे हैं लुका रहे हैं उसी में जाके। ये चीज है, हम लोग क्या करें, खदेड़ोगे दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, फिर जाएंगे गन्ने में फिर जाएंगे, फिर निकलेंगे वहां से। दवा का मतलब जैसे दवा हम लोग लाते हैं झाक वाली आती है छोड़ देती है बस उसके असर बहुत 10-15 दिन रहता है उसका, फिर वैसे पूछे तो आदमी कहा था किसमें दवा छोड़ेगा भाई, आते हैं खा देते ये तो नहीं कि मतलब झुंड बना के पर्सनल ही रहते वैसे आए जो कराया गया। हम लगा वाले देख नहीं रहे, हर जगह दौड़ रहे हैं, ये यही नहीं है हर जगह है फैजाबाद में, एक ही जगह नहीं है हर जगह पे है ये बात नहीं है, लेकिन इनके लिए कोई वो नहीं है सरकार की तरफ से, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकती हो आप, इसके लिए इनके लिए छूट है। खाते रहे नील गाय जो हम उनके देखने पर जाती हूँ जंगल और कोई समझ में नहीं गंगा कोई खाए जंगल नहीं मांगे